हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे एना की किताब। क्या पढ़ेंगे? एना की किताब। शनिवार की सुबह थी, आज एना को स्कूल नहीं जाना था। आज क्या था? शनिवार था और एना को स्कूल नहीं जाना था। एना नाम की एक लड़की थी, उसके बारे में हम ये पाठ पढ़ रहे हैं। एना, बाजार चलना है, तैयार हो जाओ, उसकी मम्मी ने कहा। इसकी मम्मी ने क्या कहा? एना, तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। एना ने कोट और जूते पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन बांध लिया। एना ने क्या करा? कोट और जूते पहन लिए और अपने बालों पर लाल रंग का रिबन बांध लिया। आपकी मम्मी भी जब आपको कहीं चलने के लिए कहती है तो आप भी नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं ना, उसी तरह। उसकी मम्मी ने जो डलिया उसे उपहार में दी थी वह उसने हाथ में उठा ली। उसकी मम्मी ने जो उपहार में, मतलब गिफ्ट में जो डलिया उसे दी थी, उसे उसने उठा लिया। अब वे बाजार के लिए निकल पड़े। अब वे कहाँ के लिए निकल पड़े? बाजार के लिए। रास्ते में एक दुकान पड़ी। उस दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा था। अब वे बाजार के लिए निकल पड़े और वहाँ रास्ते में उनको एक दुकान मिली। उस दुकान पर कुछ लिखा था जो एना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। उसे एना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। फिर मम्मी ने बताया, इस पर लिखा है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अपन भी जब बाजार में जाते हैं तो दुकानों पे कुछ लिखा हुआ होता है तो अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरीके से एना ने भी उसे पढ़ने की कोशिश करी, पर वह ठीक से नहीं पढ़ पाई। तो उसकी मम्मी ने बताया कि यहाँ लिखा है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। एना उदास हो गई कि वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती थी कि वहाँ क्या लिखा है। एना उदास हो गई कि वह ठीक तरह से पढ़ नहीं सकती थी कि वहाँ क्या लिखा है। लेकिन वह दुकान के ऊपर लिखे शब्द पढ़ सकी। वहाँ लिखा था किराने की दुकान। उसके ऊपर जो लिखा था वो उसने आसानी से पढ़ लिया। वहाँ पे लिखा था किराने की दुकान। एना, मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है। उसकी मम्मी ने क्या बोला? एना, मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है। ऐसा कहते हुए मम्मी दुकान में चली गई। कहाँ चली गई उसकी मम्मी? दुकान में चली गई। एना दुकान के बाहर ही मम्मी का इंतज़ार करने लगी। उसकी मम्मी उस दुकान में चली गई और एना दुकान के बाहर ही उसकी मम्मी का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। क्या हुआ? वो उसकी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी बाहर खड़े होकर, तब उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। वहाँ एक बिल्डिंग पर बैंक लिखा था। वहाँ पर क्या लिखा था? एक बिल्डिंग पर बैंक लिखा था। दूसरी बिल्डिंग पर उसने पोस्ट ऑफिस पढ़ना शुरू किया। क्या किया उसने? दूसरी बिल्डिंग पर पोस्ट ऑफिस पढ़ना शुरू किया। लेकिन पढ़ नहीं पाई। तभी उसकी मम्मी दुकान से बाहर आई और बोली, एना, मैं आ गई हूँ। क्या हुआ? जब उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर पड़ी तो एक बिल्डिंग पर बैंक लिखा था और दूसरी पर पोस्ट ऑफिस लिखा था। वह उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी पर वह उसे पढ़ नहीं सकी। तभी उसकी मम्मी दुकान से बाहर आई और बोली, एना, मैं आ गई हूँ। है ना? आप भी कहीं जाते हैं अपनी मम्मी के साथ तो पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरह उसने भी कोशिश करी।
इसके आगे का पार्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये पार्ट पुनः पढ़ना है ना, और इसके कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।